सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आप लोगों को सारे एक्ट्स रिवाइज करवा दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सेक्शंस। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है LLP एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, कंपनीज एक्ट के एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने इनको बोल दिया कि ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, इसका मतलब इसी से सवाल आएगा। नहीं, दैट डज नॉट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि इन सेक्शंस को अगर आप छोड़कर जा रहे थे तो प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। मेरे हिसाब से ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज आप इन्हें छोड़कर मत जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है एंड इन्हें प्लीज अच्छे से पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। तो मैडम, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट अटैच कर दूंगी। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस नहीं मेंशन कर रही हूं यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो नई एडेड यूनिट्स है, दैट इज 7, 8, 9, बिकॉज इट इज न्यूली एडेड, तो शॉर्ट उनमें से एक एक क्वेश्चन तो हर यूनिट में से आने वाला है, तो उनको प्लीज मत छोड़िएगा। अगर आप वो नई यूनिट्स अगर कोई छोड़कर जा रहा था तो प्लीज मत छोड़ना। अभी भी आपके पास समय है, मेरे डिटेल्ड वीडियोस उन यूनिट्स के ऊपर अवेलेबल हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। ऑल राइट एवरीबॉडी, एंड जाते जाते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के मदद से मैं आपको ट्राई करती हूँ गाइड एंड मोटिवेट करने का। एंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट है, देयर यू गो।